सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट मोशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से बता दोगे। ठीक है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ द फील्ड। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, सीधे सीधे बता दोगे तुम लोग, इसको मार्क करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन है शायद, चलो सारे लोग सही है इसका मतलब। दूसरा भी शेयर कर लेते हैं इसको रिमूव करके, ये साथ में सॉल्व हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर, वेबर पर मीटर, वेबर पर वेबर पर मीटर, इसका सी सही आ गया इसने। हाँ होना चाहिए का क्या मतलब है, वेबर मीटर है शायद, अपने अपने मार्क कर ले जो मैं लग रहा हो। वेबर मीटर स्क्वायर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर ओके, मतलब सी। हाँ तो सही होगा, एग्जैक्टली सिंपल है, तुम लोग फॉर्मूले पे एकदम क्यों नहीं जा रहे हो ना। फाई इक्वल्स टू बी है ना, और फाई का यूनिट क्या है, वेबर, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, तो सिंपल हो गया, वहां से कैलकुलेट किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम लोग, सिंपल से ही आते हैं इकोनॉमिक्स में, बाकी तो तुम लोग सॉल्व कर ही रहे हो अलग अलग क्वेश्चन। इसको भी जरा बता दें, द यूनिट ऑफ वन अपॉन अंडर रूट, नहीं नहीं वो सही बोल रहा है, बी डॉट ए होता है, बट बी ए कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा को कोई यूनिट इन्वॉल्व तो नहीं करोगे ना, तो नहीं होगा। पाई तो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा जा रहा है ना तुमसे, पाई का थोड़ा पूछा जा रहा है, तो फाई कस टू बी डॉट ए, बी कस टू फाई अपॉन ए, फाई के लिए वेवर है। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज, न्यूटन पर कूलम, वेवर पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, फैराड। सिंपल से क्वेश्चन है, बताते हो बट आते यही है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम देख लो भाई, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड टाइम टाइम है, अरे वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर पर सेकंड लगा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, पर मीटर पर सेकंड लगा रहा है, मतलब डी, मुझे इसलिए नहीं लग रहा, सेकंड शायद नहीं आएगा। वेदांत तुम लोग देख लो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देख सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो किसका फॉर्मूला है, सी का है, सी द स्पीड ऑफ लाइट, तो यूनिट मस्ट बी इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट इज मीटर पर सेकंड, आकाश का तुक्का हो या ग्रेड हो, बट ये है सही, स्पीड ऑफ लाइट है ना इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, तुक्के भी वो कोई लॉजिक लेके लगाता होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कुछ भी बोल दिया नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है साइंस में, वो कई राय सिर्फ ये तुक्के का मतलब क्या है, आपने कोई फॉर्मूला कहीं पढ़ रखा है, चैप्टर पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं है आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं है, मतलब जो मेमोरी कार्ड जो चिप है आपके ब्रेन में, उसमें कहीं ना कहीं वो पड़ा हुआ है, वेल मैनेज नहीं है, तो वो सिर्फ मैनेज करने के लिए तुक्का है कि ये पॉसिबल है पूरा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अननोन है तुक्का लगा किसी बाहर से पकड़ लाओ, जो कभी स्कूल गई ना उसको यहाँ लगे बैठा लो, देखें तुक्के में वो एक भी सही बता देगा, तो कोई ना कोई लॉजिक तो होता है ना तुक्के में भी, तुक्का भी आप लॉजिकली लगाते हैं। खैर डी ऑप्शन होगा इसका, नेक्स्ट वाला शेयर कर लेते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, फोर्थ वन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ, ये शायद तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़े, अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन एन अब देन वायर, थिन वायर होगा वो, कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं, थिन वायर कंसीडर कर लो, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इन अ वर्टिकल प्लेन एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ओवर द वायर है, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो तुम लोग, कोई बात नहीं सॉल्व करो,
इसका डी ऑप्शन है, 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 नॉट। आकाश जरा चेक करो एक बार, गलत है? नहीं हो सकता है, हम ये कहां कह रहे हैं, हो सकता है। अगर तुम लोग सॉल्व करके बताओ तो सही भी हो सकता है, लेकिन ये तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, डायरेक्ट तो नहीं बताया जा सकता ये। क्वेश्चन तो देखिए है, करंट ऑफ 10 एम्पियर आई गिवन है फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, इन अ थिन वायर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में पूछ रहे हैं, एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ओवर द वायर। सेंटीमीटर ओवर नहीं, फोर ही आएगा सर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या होगा तुम्हारे एक सेकंड, बस दो मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे यार जल्दी जल्दी में गलत हो गया यार, इसीलिए तो कह रहे हैं बहुत जल्दी मत किया करो क्वेश्चन। स्नेहा कुछ आया? बी है ड्यू टू नॉट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस, बी आ रहा है फॉर्मूला। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार हम बोर्ड पे देख लेते हैं इसको। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन फोर्थ है और इसमें जो आई की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 10 एम्पियर है, और जो आर गिवन है वो 50 सेंटीमीटर है, और वायर है ये एक जरा कंसीडर कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में करंट दे रखा है आई, यही है ना। थोड़ा इसको देख लेते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई या 4 पाई भी यूज कर सकते हैं, तो 2i लिखना पड़ेगा, आई अपॉन आर, इसकी वैल्यू हम बताए 2 into 30, हाँ 4 पाई ले सकते हैं, तब आपको 2i अपॉन आर लगाना पड़ेगा, है ना। तो 2 into 20 power minus 7, आई की वैल्यू 10 एम्पियर है ऑलरेडी, और ये 50 इन सेंटीमीटर है, इसको जरा कन्वर्ट करते हैं, 15 into 20 power minus 2, ये जस्ट 5 हो ही जाएगा, और ये 0.4 हो जाएगा इसको अगर हम कट करेंगे, और पावर 20 power minus 5 है ये, तो 4 into 20 power minus 6 टेस्ला या जो भी अदर यूनिट लिखना है। अब बात आती है डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा वो बताना है, तो वर्टिकल प्लेन में है ये पॉइंट, तो जैसे अगर इस मार्कर को रिज्यूम करें, ये देख लो ईस्ट टू वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ साउथ का मतलब ये नॉर्थ इधर है, जैसा वो डायग्राम फिगर में दिख रहा है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3D फिगर उसके अकॉर्डिंग होगी, तो ईस्ट ये वेस्ट ये मतलब नॉर्थ ये और साउथ वो तुम लोगों की तरफ, ये कंडीशन हुई। अब इसमें कोई भी एक लॉ यूज कर लो, करंट का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट इधर है पूरा, तो चाहे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी रूल लगाना चाहो अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर हम इसको लेफ्ट हैंड रूल से कंसिडर करें, लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड से कर लो, राइट हैंड पाम रूल लगा लो ऐसे, ये किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का होता है एक्चुअली, फिंगर थंब को रखना है ना करंट के डायरेक्शन में, थंब को क्या रखना है करंट के डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट तो नहीं है, इसको ऐसा देखना पड़ेगा, तो थंब इधर, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना नहीं है, थंब किधर जा रहा है, फिंगर किधर जा रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ, तो इसका मतलब ये नॉर्थ होगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, क्वेश्चन देख के बताओ, बी है ना, एक मिनट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, ठीक इसमें आ नहीं रहा है, फिर से एक बार शेयर करते हैं क्वेश्चन। Fourth, 4 into 20 power minus 6 due north, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए, डायरेक्शन से डायरेक्शन है, क्वेश्चन में ईस्ट टू वेस्ट ही है ना करेंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पॉइंट लाइंग,
हाँ जनरली इन्फिनिटी के लिए होता है क्वेश्चन जनरली, बट अगर होगा तो गिवन होगा। तो फोर ऑप्शन थे, फोर में से कौन सा ऑप्शन बताया तुम लोगों ने? डी, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक ठीक है सर, नेक्स्ट वाला शेयर कर लेते हैं। इसको फिफ्थ वाला सॉल्व किया क्या किसी ने? देखते हैं ये अंडर रूट मीन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट द यूनिट। क्वेश्चन है ये, यहाँ हमने भी क्लब ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। एक बार चेक कर लो तुम लोग, फिर बताओ। स्नेहा हेनरी, ओके और कोई कुछ बता रहा है? फोर ऑप्शन है, न्यूटन पर कूलम, ए के पास चले गए मतलब न्यूटन पर कूलम जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, खैर कोई बात नहीं। डी नहीं, ऐसा थोड़ा ना एक क्वांटिटी का तो दूसरे का नहीं। क्यों आ रहा नहीं? वो तो बात ठीक है, क्या जो किसी एक क्वांटिटी का है क्या दूसरे का नहीं हो सकता? हाँ तो फिर तो तुम लोग बताओ अपने अकॉर्डिंग कौन दोनों चीज। कौन सा ये वाला? बी वाला, ये एक्चुअली डेरिवेशन है नेक्स्ट चैप्टर में इन द एट्थ चैप्टर, लेकिन यूज पहले भी होता है, यूज और भी जगह कर दोगे जब। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये फॉर्मूला है, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी है जो नॉर्मली नहीं। आंसर अच्छा फाइनल करो तुम लोग जल्दी से, एक अलग अलग बताओ अपना, कोई बात नहीं। एक हेनरी है, एक वेदांत, ओम आर्या, हेनरी, स्नेहा, तो हम इसमें मार्क कर देते हैं। तुम लोग तो देखो कि नहीं, हम यहाँ से मार्क कर देते हैं उसको, इसका किसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही है ये, मतलब ओम इज द करेक्ट आंसर। अब चाहे ए नहीं बी, हमने कहा ओम इज द करेक्ट आंसर। वेदांत का आंसर सही है, भगवान का नाम ले लिया इन्होंने आंसर के पहले पूरा। अब क्यों है इसको डायमेंशन अलग से तुम लोग चेक कर सकते हो, तो आई थिंक उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, है ना? आर के लिए होता है, और ये बेसिकली जो है डीसी पांडे की जेई मेंस की बुक का क्वेश्चन है। हालांकि इसका मतलब नहीं, इसका स्टैंडर्ड जेई मेंस वाला ही है, क्योंकि किसी क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ सकता है। आप सिर्फ ये अज्यूम करते हो अपने अकॉर्डिंग कि ये जी मेंस में आया था, ये जी एडवांस में आया था, ऐसा नहीं कि जी एडवांस में इजी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, या अकॉर्डिंग में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता पूरा, लेकिन ये क्वेश्चन वहां का है फिलहाल, और जनरली अकॉर्डिंग में भी आ सकता है, और मे भी कभी आया भी हो पहले पूरा। तो इसके डायमेंशन पे अगर चेक करके देखोगे इसको इजिली, ये ओम आ जाएगा, क्योंकि और जो भी यूनिट तुम लोग देख रहे हो हेनरी सीधे सीधे इंडक्शन का होता है, और उसकी किसी भी क्वांटिटी में एप्सिलॉन नॉट और ये यूज भी नहीं होते। न्यूटन पर कूलम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो फोर्स अपॉन चार्ज, ये दोनों ही टर्म यहां पर है, लेकिन चार्ज किसका प्रोडक्शन किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें दोनों के कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है, एप्सिलॉन नॉट भी और म्यू नॉट भी। म्यू नॉट नॉर्मली यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, परमिटिविटी ऑफ द मैग्नेटिक, और वो किसको यूज करते हैं? परमिटिविटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन तो सिंपली मैकेनिकल फोर्स का है, किसी फोर्स का पर कूलम मतलब चार्ज, एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का इन्वॉल्व नहीं है, और चार्ज के मोशन में होने को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा पूरा। और इसके यूनिट्स अगर कट करके डायमेंशन दोनों भी लिख के देख लो, जब कट करोगे तो फिर ओम की बचेगी मतलब ये अपॉन आई पूरा। तो एक बार चेक कर लेना, अगर फिर भी ना हो बताओ तो हम इसको सॉल्व कर देते, अदरवाइज अभी लास्ट तक बता देना तुम लोगों में।
ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स. अब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये बहुत सिंपल है तो आंसर तुम लोग दे दोगे. ओनली बाय मूविंग चार्ज. ऑप्शन चारों पढ़ लिए ठीक से. ओनली बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाई बोथ मैथड्स ए एंड बी एंड बाई नन ऑफ दीज मैथड्स. तो सबसे पहले देख लो ओनली बाई मूविंग चार्ज बोला है जिन्होंने, तो मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है नो डाउट, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दूसरा है ओनली बाई अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओनली बाई तो हाँ ओनली बाई अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. और सी में दोनों ऑप्शन है बोथ मैथड्स ए एंड बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी बोथ मैथड्स ए एंड बी. मूविंग चार्ज से भी प्रोड्यूस हो सकता है और टाइम बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि यही फेराडेक्स एलिमेंट है जैसे कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. तो अगर टाइम बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि ईएम वेव्स में आगे पढ़ोगे अभी तुम लोग, तो टाइम बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है. सब होम बोर्ड ही है तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब सेवेंथ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर तो सेवेंथ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ये ट्वेल्थ है, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक से है. द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इसमें फोर डायग्राम दिए हैं, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें से ए बी सी डी फोर ग्राफ बने हैं. तो बहुत सिंपल वे में तुम लोग बता सकते हो इजीली. वेदांग ने बताया बी. अच्छा आकाश स्नेहा अच्छा बी है, तीन लोगों का बी है इसमें से और एक का देखा हुआ लग रहा है. एक मिनट जरा वापस आ जाते हैं इस पे, इसको एक शॉर्ट सबको पता है हालांकि बट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. ये जैसे देख रहे हो तुम लोग जो तुम बता रहे हो इसमें वो ऐसा है ठीक है, और जो ये लोग बता रहे हैं वो ऐसा है. ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डिस्टेंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डिस्टेंस. फॉर्मूला जो होता है मैग्नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है. अभी अभी फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, आर के प्लेस में एक्स. इसका मतलब डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना डिक्रीज होगा. इस वाली कंडीशन में डिस्टेंस हम जितना बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो भी है कौन सा ये बी है, तो अब आंसर बी होगा इस क्वेश्चन का. तो बात समझ में आ गई सबके, इसलिए कोई कंफ्यूजन था बाकी तो हमें लगता देख लिया था तुम लोगों ने. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं इसके बाद. A wire of length L carrying a current I is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field produced at the center of the loop is B. When this wire is bent into a loop having two turns, then the magnetic field produced at the center of the loop will be. अब ये जरा तुम लोग चेक करके बता दो. समझ नहीं आएगा मतलब. A wire of length L, एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, उसको सर्कुलर रूप के टर्न में यूज किया गया है. मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे है बी. व्हेन दिस वायर इज बेंट इनटू अ लूप हैविंग टू टर्न्स, इसी वायर को जब दोबारा एक लूप बनाई गई लेकिन उसमें टर्न दो थे, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ लूप विल बी, पहले से डबल हो जाएगा, फोर टाइम हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा या बी बाई फोर हो जाएगा. ये क्वेश्चन है टू बी फोर बी बी बाई टू बी बाई फोर, ये ऑप्शन है. आ रहे बताओ, दो लोग हो गए फोर बी वाले. वेदांक कितना होना चाहिए? टू बी बताया. एक मिनट इसको डिस्कस भी कर लेते हैं. एक मिनट एक मिनट, बी का फॉर्मूला होता है एट द सेंटर म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर,
यही होता है ना फॉर्मूला। फर्स्ट कंडीशन में जो थी, जो भी रेडियस हो उसमें टर्म सिर्फ वन था, मतलब जो भी रेडियस थी वो थी म्यू नॉट एन आई, एन का प्लेस में वन था आई, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बाकी कोई रीजन नहीं है। और ये जो टू पाई आर था इस कंडीशन में, टू पाई आर जो थी वो एल थी फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो आर की वैल्यू यहाँ एल अपॉन टू पाई है बेसिकली। और दूसरी कंडीशन यहां देखो म्यू नॉट आई टू और यहाँ एल अपॉन टू पाई, ये टू कैंसिल अगर करते हैं तो म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये जो टू पाई आर है एक्चुअली है ना, इस पर इसको आर डैश ले लेते हैं, ठीक है टू पाई आर डैश। अभी टर्म कितने टर्म में इसको लगे, दो टर्म में, तो इसका मतलब टू पाई पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो नई रेडियस है टू पाई आर डैश वो एल लेंथ में हो जाएगी और आर डैश होगी एल अपॉन टू पाई, फिर से क्या तो सेम हो जाएगी अगर ऐसा लिखेंगे नई रेडियस के अगर टर्म में, क्योंकि है तो वही रेडियस, लेकिन अब टर्म दो है तो टर्म दो का मतलब इसको हमें लेना चाहिए फोर पाई। अरे वो जो रेडियस होगी लेंथ को दो बार सर्कमफेरेंस में लिया गया ना, तो ये लेंथ दो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। अच्छा। दो टर्म किए गए इसमें, तो अब ये होना चाहिए जो नई आर डैश आई है वो एक्चुअली एल अपॉन फोर पाई होगी। ये तो मतलब जो नया मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बी डैश सपोज करेंगे तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ टू हो गए, आई सेम है और यहां पर टू आर, टू आर की जगह आर डैश अपॉन फोर पाई होगा और ये टू टू जा हो गया, मतलब म्यू नॉट अपॉन ये फोर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू फोर आई अपॉन एल, ये पोर्शन बचा है। तो यहां देख लो बी बी डैश अपॉन बी कैलकुलेट करना है हमें, हम पूरा सॉल्व करके बता दे रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा खास है नहीं है। फोर म्यू नॉट आई अपॉन एल डिवाइडेड बाई ये कितना आया था पहले वाला म्यू नॉट, एक मिनट पाई भी था ना यहां पे, पाई भी तो होगा पाई, और यहां म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, तो एल तो ऑलरेडी कैंसिल है, सॉरी फोर म्यू नॉट पाई एंड आई ये सारे कैंसिल, म्यू नॉट पाई एंड आई क्या बचा है फोर बचा है जस्ट, तो बी डैश इक्वल्स टू फोर बी, तो बी ऑप्शन जिसका भी है वो सही होना चाहिए। पहचान क्लियर है कुछ लाउड है गया। हाँ वही तो बताना चाह रहे हैं कहां से हो गया, वन मिनट प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा सा एक्टिविटी में, ये वायर दे दिया हमें, इतना सा वायर है ये, इसकी लेंथ एल है, इसको एक सर्किल में बनाया गया तो टू पाई आर ये हुई इसकी जो भी रेडियस है वो टू पाई आर इक्वल्स टू एल हो गया फर्स्ट। अब ये कह रहे हैं इसी वायर को लूप जो बनाई गई वो दो टर्न कर दिए गए, वायर वही है मतलब लेंथ एल ही रहनी है तो वायर इतना ही रहना है, अब लूप बनानी है दो टर्न में, मतलब ये और ये देखा इस तरीके से उसी लेंथ में ये दो टर्न आ गए, लेंथ तो अभी भी वही है, अब अगर इसकी रेडियस चेंज होकर आर डैश हुई है तो एक सर्कमफेरेंस हुई टू पाई आर डैश और कितनी सर्कमफेरेंस है इसमें दो टर्न, तो टू पाई आर डैश प्लस टू पाई आर डैश कितना हुआ फोर पाई आर डैश और लेंथ अब भी एल है, तो सेकेंड सिचुएशन में क्या लिया हमने फोर पाई आर डैश मतलब डबल टर्न इक्वल्स टू एल वंस अगेन, तो अब ये लेंथ इस तरीके से डिवाइड हुई तो नई रेडियस जो होगी वो एल अपॉन फोर पाई होगी डिवाइड, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस वैरी कर गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर जाएगा, और वैसे भी अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फर्स्ट सिचुएशन में रेडियस ज्यादा थी सेकेंड सिचुएशन में रेडियस कम हो गई, हाँ बस बस तो दोनों तरीके से कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका बी, ठीक अभी और भी क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। बड़ी जल्दी बता दिया तुमने, बायोसेवर्ट ला इंडिकेट्स द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट
ए में है बी इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, वी पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, इट्स ऑलवेज इनवर्स क्यूब लॉ, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. वेदांत क्या वही है एनसीईआरटी एग्जांपल है. नहीं तुम्हारे ख्याल से डी क्यों है ये भी बता दो. नहीं वो तो बात सही है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है ये. तो यहाँ उसमें ये थोड़ा ना बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है. उस पॉइंट के चारों तरफ क्रॉस बनाए थे हमने डायग्राम में बायोट सेवर्ट लॉ बनाया ना क्रॉस बनाए. और वैसे भी कोई भी लॉ हम लगाए मूविंग चार्ज मींस वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ये तीनों हर लॉ में परपेंडिकुलर ही होते हैं. पैरेलल होते ही मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन बदल जाती है. तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ए है बी इज परपेंडिकुलर टू वी वो सही है. अब वो आकाश का तुक्का या जो भी हो जनरली होता है क्योंकि कोई भी लॉ तुम लोग अप्लाई करोगे फराडे वो फरी लेफ्ट हैंड रूल लगाओ राइट हैंड रूल लगाओ मैक्सवेल स्क्रू रूल लगाओ. तो फिर लेफ्ट हैंड ले रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल फिंगर्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड थंब अलोंग द वेलोसिटी और फोर्स अलोंग द पुश ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाम पूरा. तो ये भी तीनों परपेंडिकुलर हुए. अब अगर राइट हैंड रूल यूज करोगे तो भी वही सिचुएशन है करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन फिर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैक्सवेल स्क्रू रूल यूज करेंगे तो थंब करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कल के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. मीन दिस थंब एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. और इलेक्ट्रॉन करंट अगर थंब के डायरेक्शन में चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो जैसे भी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो यही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो बी और ये बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होंगे. वो बात अलग है ऐसे की बजाय ऐसे हो सकता है लेकिन कर्ल तो वही होगा. कर्ल का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा ए. क्यों इसमें हाँ चलो अगर नेक्स्ट वाला सॉरी ये तो वही है. अब वर्टिकल वायर कैरी द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट वो नहीं 20 टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स वर्टिकल वायर कैरी द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन आकाश ने बताया टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट है एक ऑप्शन एक डाउनवर्ड. इसमें यहाँ क्या है इसमें आंसर बी मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट. आ रहा है तुम्हारा भी ओके हमें लगता है सारे लोग गलत बता दोगे इस बार. अब वर्टिकल वायर कैरी द करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक वायर है जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है. एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द वायर विल बी डिफ्लेक्टेड. एक मिनट इसको जरा बोर्ड पर चेक करके देख लेते हैं. या तो फिर डाउनवर्ड हो सकता है. क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं वहां से हटा देते एक ये वर्टिकल वायर है ये करंट इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली. तो इसको अंडरस्टैंड करना ऐसे ये वायर हो गया मार्कर ये इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है. अब पूछा क्या है एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वायर ऐसे इसकी तरफ. तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा ये बता. हॉरिजॉन्टली ऐसे
हाँ किधर से भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, टुवर्ड्स द वायर है, टुवर्ड्स द वायर का कोई डायरेक्शन नहीं दिया है इसमें, वायर को सिर्फ वर्टिकली करंट फ्लो कर रहा है, मतलब लोअर बॉटम टू टॉप, और ये इलेक्ट्रॉन बीम चाहे हम ऐसे सपोज करें चाहे ऐसे सपोज करें ऐसे करें, टुवर्ड्स द वायर, यहाँ डायरेक्शन को वो नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि डिफ्लेक्ट होगी वो किधर होगी, कुछ लॉजिक है करंट इधर फ्लो हो रहा है, मींस इनसाइड द कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनवर्ड, ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम सपोज कर रहे हैं ये इधर से आ रही है फॉर एग्जाम्पल, इधर से आ रही, तो यहां पर कर्ल ये है, इस कर्ल पे यहां पर पॉइंट पे अगर हम ले रहे हैं इधर से वो आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया है ना, ऐसे कर एक मिनट, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, अब एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, वो आ रही है इधर टुवर्ड्स पूरा, अब फोर्स का डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और कोई भी चार्ज अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इन्वॉल्व होता है उसमें फोर्स का डायरेक्शन लगेगा उधर ही, तो वो डिफ्लेक्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इसकी तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में आके कहां उसने एंट्रेंस लिया, परपेंडिकुलर एंट्रेंस लिया इस, है ना, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ इसका यूज हुआ और इसका कोई यूज नहीं है, अब देख लो एक बार, ये मोशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसमें जो फोर्स लगेगा, अभी हमने फिंगर ये तो हम बदल सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, फिंगर को टुवर्ड द वेलोसिटी कर लिया है ना, मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड द थंब कर दें ऐसे करके, या ऐसे करके रिवर्स करके, मतलब राइट हैंड होगा ना ऐसे, देखो ये फिंगर को हमने टुवर्ड द वेलोसिटी कर लिया, थंब किधर हो गया टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब जो पाम से पुश करने का डायरेक्शन है वो होना चाहिए, क्यों मैदान क्वेश्चन एक बार फिर से शेयर करते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार चेक हो जाए, क्वेश्चन था ये था, इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, और तुमने बोला वेदांग वो भी कर लेते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, किसी लॉजिक को लगा के, चलो खैर कोई भी लॉजिक हो, अभी एक मिनट इसको वापस बोर्ड पे आके चेक करा देते हैं, हाँ कोई सा लॉ लगा लो इसमें जो भी तुम्हारे फोन में आ रहा है, कोई भी लॉ लगा लो, कंडीशन ये है तो तुम लोग समझ ही गए होगे, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे ले तब भी सिचुएशन वही रहेगी, टुवर्ड्स ये आ रहा है पूरा, आपने एमवीए ऐसे ले रखा है और इसको सीधा ऐसे करते तो ये बढ़ जाएगी, हाँ अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो भी वही मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये तो पाम रूल लगा लिया, अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, हालांकि वो करंट की केस में नहीं होता, लेकिन जनरली करंट के केस पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया उससे, अब बात रह गई सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड के और उसके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली आ रही है, तो आप अगर इसी सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं तो एक सिचुएशन और है वो भी देख लो, अगर इधर से आ रही इलेक्ट्रॉन बीम और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, है ना, इधर से आ रही तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल में अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही लगेगा, ऐसी कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में है नहीं है, टुवर्ड्स द वायर लिखना है, तो वायर की तरफ जाने के लिए पॉइंट को क्रॉस करना है, थोड़ा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो इधर लोगे तो वही, अगर इधर से आते हो मानोगे तो पॉइंट भी तो यही लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन तभी इधर वही सिचुएशन आ जाएगी, परपेंडिकुलर पैरेलल होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, खैर नेक्स्ट वाला भी नेक्स्ट ही है, इसमें भी एक सिचुएशन बतानी तुम लोगों को, देखो यार तुम लोग 26 है क्वेश्चन, द नैरो बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव अनडेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई की वैल्यू गिवन है वोल्ट पर मीटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन वेबर पर मीटर स्क्वायर अप्लाइड एट द सेम प्लेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन The electric field and the magnetic field are mutually perpendicular. The speed of electron is. इनमें से एक कोई ऑप्शन हो सकता है, देख लो कौन सा हो सकता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग,
वापस आ जाते हैं। अरे यार इसमें कोई आइडिया आ रहा है? कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं अगर हम टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो? ऑप्शन ए क्या है? कुछ तो कोई बात नहीं, कुछ तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ऑप्शन इसमें कुछ आया? अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देख लो कोई भी एक ऑप्शन इसमें से होगा। ऑप्शन तो तुम लोगों को दिख ही रहे होंगे। जो हमें बस वो वैल्यू बता दो। ई की वैल्यू गिवन थी 2 × 10⁻⁴ +4 हो गया। चलो और बी की 2 × 10⁻³ ठीक है। एक एनसीईआरटी में टॉपिक इसी चैप्टर में है जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, वैसे तो हमने भी पढ़ा है, बट उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये है कि एनी इलेक्ट्रॉन बीम और एनी चार्ज बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड एट अ प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर कोएग्जिस्ट टुगेदर। जब वो दोनों ही हैं अवेलेबल तो वो अनडिवेटेड एक ही कंडीशन में रह सकती है। व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द बीम मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट बीम, तभी तो अनडिफ्लेक्टेड होगी। क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन बीम को मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही उस रीजन में तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन को जब यूटिलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो होगा ईई, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी वी साइन थीटा जनरली होता है, वो एंगल 90 है, यहां पर तो 1 हो जाएगा, उसको यूज नहीं करना है उसका। तो यहाँ क्यू के प्लेस पे ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, ई तो कैंसिल आउट हो रहा है, वी ऊष्मायन से ये टर्म यूज होगा। ये है 3 × 10⁴ और 1.5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो सही है, और कोई ऑप्शन नहीं है सही है ना? हाँ तो फिर यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। मैदान क्लियर है? हमें इसीलिए टॉपिक बता दें किस टॉपिक से है। कुछ कंडीशन में हो गई होगी, कोई बात नहीं। ये तुम लोग बहुत इजीली बता दोगे। 27th क्वेश्चन जो दिख रहा है तुम लोगों को, Which of the following particle will experience the largest force when projected perpendicular to a magnetic field with the same velocity? Electron, proton, क्या है? Helium, positive ion है, और lithium, sorry, ion है। Lithium positive. हाँ, two positive है, तो बताओ। मतलब positive तो है ही है। एक second पर ये सब चल रहे हैं, lithium पर कर रहे हैं, lithium positive। एक second हाँ। 27th है, देखो जरा। Largest force projected perpendicular the magnetic field. इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा? दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे हल्का वाला सबसे ज़्यादा करंट रहेगा, यहाँ पे सबसे भारी वाला। क्वेश्चन अगर रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी? डी होगा सर, ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन, ज्यादा चार्ज लिथियम में प्रेजेंट है या फिर प्रोटॉन जाएगा इसमें। हाँ कौन सा होगा सर?
उससे मतलब नहीं है यहाँ देखो पर्टिकुलर इसमें कॉन्फ़िगरेशन मत लगाओ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो गया मतलब वो तो 1 ही हो गया फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा ठीक है वेलोसिटी सबकी सेम है इसका मतलब वेलोसिटी से वेरिएशन का कोई मतलब नहीं है पूरा क्यू वी वी मैग्नेटिक फील्ड भी वही है ना अब बात डिपेंड रहती है सिर्फ चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ 3 पे डिपेंड कर रहा है चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे वेलोसिटी पे है ना वेलोसिटी करें सेम है सारे पार्टिकल के बारे में अगर बात की जाए तो सबको सेम ही दी जा रही है उसी सेम वेलोसिटी से किस पे लार्जेस्ट फोर्स अप्लाई होगा एंगल सबके लिए 90 मतलब साइन 91 मैग्नेटिक फील्ड वही है जिसमें ये चारों को इंटर कराना है तो एक ही रीजन बचता है चार्ज जिसका ग्रेटर होगा और ये फीम जो है डबल पॉजिटिव है मतलब दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज इस पे है बाकी सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही है जो प्रोटॉन का है नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है हीलियम पे भी एक ही पॉजिटिव साइन दिया है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो इसका मतलब वही बचा है तो वो लार्जेस्ट एक्सपीरियंस करेगा ठीक है बाकी 2-3 है देख लेना अगर इनमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना बाद में।